हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास फेसबुक मैसेंजर में स्टोरी शो नहीं हो रही है तो उसकी प्रॉब्लम को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको चेक करना है आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन स्लो वर्क कर रहा है या फिर इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो आप पहले उसको सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपको एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में जाना है, फिर आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको चेक करना है आपके पास डेट एंड टाइम करेक्ट है या नहीं। अगर आपके पास डेट एंड टाइम रॉन्ग है तो आप उसको करेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास डेट एंड टाइम रॉन्ग होने से भी ये एरर आ सकता है। उसके बाद आपको फिर से एंड्रॉयड फ़ोन की सेटिंग में आना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, ऐप्स के ऊपर क्लिक कीजिए, मैनेज ऐप्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च बार में टाइप कीजिए मैसेंजर। उसके बाद आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर ऐप इन्फो ओपन कर देना है। फिर आपको फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद आप क्लियर कैचे के ऊपर क्लिक करके ओके कीजिए। उसके बाद क्लियर ऑल डाटा के ऊपर क्लिक करके ओके कीजिए। उसके बाद आप फिर से मैसेंजर को लॉगिन कीजिए। उसके बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, फिर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर के सर्च बार में टाइप करना है मैसेंजर। उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। अगर आपके पास मैसेंजर ऐप का अपडेट शो हो रहा है तो आप उसको अपडेट कीजिए, आपके पास मैसेंजर ऐप अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आप अपने फ़ोन में से जो है डाटा सेवर को जो है टर्न ऑफ़ कीजिए। अगर आपके पास ये टर्न ऑन है तो आपके पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सिंपल इसको टर्न ऑफ़ कीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।